रस वर्धमान पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त योग है, बहुत ही जबरदस्त रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इसका काम आता है। सितोपलादी चूर्ण, चंदामृत रस, च्यवनप्राश, द्राक्षारिष्ट, वासारिष्ट, कनकासव, हर्बल टी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कफ कोल्ड रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम्स के पेशेंट आते हैं, तो हम लोग सिंपली घर में बोल देते हैं और ये चीज़ें हर एक के किचन में अवेलेबल होती हैं कि काढ़ा बना के पिलाओ उसके, या तुलसी, लौंग, उलेटी, इलायची, अदरक, काली मिर्च को जस्ट पानी में डाल के बॉयल कराना है, आप रिड्यूस हो उसको गुनगुना पिला लें। जहाँ कफ, जहाँ पे कफज की स्थिति है वहाँ पे ये तुरंत रिजल्ट दे। कॉमन श्वास रोग हैं जिनमें जनरली इस तरह के जो नॉर्मल श्वास रोग हैं, जहाँ पे बात की पत्ती है, जहाँ पे बल क्षय हो रहा है, तो वहाँ पे विभिन्न की इसकी एक डोज भी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, विभिन्न की 1.5 ग्राम, पिपली 750 ग्राम और रस सिंदूर या मकर, इन तीनों चीजों को शहद से देते हैं, तुरंत रिजल्ट आते हैं। और बच्चों में, बच्चे भी हैं उनकी जनरली इसमें इम्यून का खेल है सारा, रसायन का, और जहाँ आम है या उस तरह की समस्या तो वो हम लोगों ने भी देखा क्या करना है। बच्चों में स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, बाल चतुर्भद्र चूर्ण हनी के साथ, चित्र खरीदने का किसी ने प्रयोग किया, ड्राई वाली एक तो पेस्ट वाली आती है, ड्राई वाली उसमें क्या काम करती है, वो चित्र क्या काम करती है, हम अब बच्चे क्या करते हैं, बाहर कफ नहीं कर सकते, अपना बलगम बाहर नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे चित्र खरीद के बहुत अच्छा रोल अदा करती है, सिंपली उसको हनी से दे दें वो मल मार्ग से उसका बाहर निकाल देती है। आप बच्चों के जब बॉडी को देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा खप आता है जब आप चित्र खरीद के खिलाते हैं, हम चित्र खरीद के बच्चों में दे सकते हैं। कैसे निकलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एलिमेंट्री सिस्टम अलग है, कैसे निकलेगा शरीर में जहाँ भी होगा आम शरीर में आम का पाचन करता है और शरीर के किसी भी हिस्से में आम का जो भी हिस्से मलमार से आता है बच्चों को अतिसार रोग का डिस्कशन करते हैं। अतिसार में जनरली हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अतिसार में मैं दे दूंगा क्योंकि वो टॉपिक से भटक जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर देंगे, ठीक है। अतिसार में जनरली हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम मटी, रेलवे चूर्ण, पंचामृत परपटी, जनरली यही करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमें पहचानना है कि अतिसार कौन सा है। अतिसार की ऐसी कंडीशन जहाँ पे आम बन रहा है वहाँ पे ग्राही और स्तंभक योग नहीं देने होते, वहाँ पुटज घनबट्टी क्या करेगी, आगे जाके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, आगे जाके उसको परिकर्तिका वगैरह हो सकती है, ये समस्या आ जाती है। हमें क्या पहचानना है उसमें कि आम अतिसार है या पक्वा अतिसार। आम अतिसार में क्या होगा, स्टूल जो है लैटिन पॉट पे चिपकेगा, वहां पे इच्छलता होगी, ऑल स्मेल होगी। पक्वा अतिसार में क्या होगा, स्टूल जो है पानी में तैरता है। ऐसी कंडीशन है उसे कुटज दो, गंगाधर दो, पंचामृत परपटी दो, रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर आपने उस कंडीशन में जहां आम बन रहा है और रोकने की कोशिश की, उल्टा काम करेगा, पेशेंट को दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, तो वहां पे विरेचन कराना, अतिसार में भी विरेचन। लेकिन ये ध्यान रखना है सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, उसे 8-10 बेग हो रहे हैं तो विरेचन के लिए नहीं बैठना, क्या करना है इसको डिस्कस करना, ट्रीटमेंट इन आम अतिसार, हरण चूर्ण, इसबगोल, एरंड तेल, दालचीनी चूर्ण, ये एक मैंने कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको हम जब देते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है। ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं, अरंड, इसबगोल, एरंड तेल, दालचीनी, जामुन, बिल्व चूर्ण, अगर बिल्व चूर्ण देंगे तो हम तकर से देंगे, सिंपली बिल्व चूर्ण दे देंगे पानी से, ताड़े मस्टर्ड चूर्ण, जौ, सौंफ, ये सारी चीजें हैं जो इनमें हम दे सकते हैं। लाजा समझते हैं, खील लाने जो हम लोग दीपावली में यूज करते हैं, वो धान्य, धनिया, जायफल, जीरकादृश, इनमें से कोई से भी ड्रग आप यूज कर सकते हैं। जनरली जो एक मेरा कॉमन कॉम्बिनेशन होता है इस कंडीशन में, हरण चूर्ण, इसबगोल और एरंड, इनको कंबाइंडली मिक्स करके देते हैं, 2-4 बेग आ जाते हैं, पेशेंट अपने आप ही रिलैक्स फील करता है। और इसका एक श्लोक भी है, आमो लंघनीय स्यात् पाचन मरणम वज्रे। अब इसमें एक कंडीशन है, पक्वा अगर वो पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में है तो वहां पे उसको ये नहीं देना,
अब ट्रीटमेंट एंड पक्वा अनुसार क्या करेंगे, कुटज घन मट्टी, बिल्वे चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, कपूर रस, कुटजारिष्ट, पंचामृत परपटी, इनमें से कुछ भी हम दे सकते हैं। रक्त अतिसार है तो अब ब्लीडिंग भी आ रही है मौसम में, तब क्या करेंगे, कैरवा पिष्टी है हमारे पास, कोलभद्र, ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं रक्त अतिसार। कुटज फिर गुलाब जल, गुलाब का अर्घ, जामुन, मिश्री, इस तरह के हम योग जो है दे सकते हैं। अगर दर्द भी है और ब्लीडिंग भी है तो एक बहुत ही अच्छा योग है लवण भास्कर चूर्ण, गोल परपटी और सुगर केन का विनेगर, गन्ने का सिरका हर जगह मिल जाता है और गांव में तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो इसको हम देते हैं तुरंत रिजल्ट आता है। गन्ने का सिरका नहीं भी है तो लवण भास्कर चूर्ण, गोल परपटी, चीर का रिस्क या कोई सी भी आशा वरिष्ठ जो इस तरह की कंडीशन में काम करती है वो हम दे सकते हैं, तुरंत रिजल्ट आता है। लघु आहार यहाँ पे देना है अतिसार की कंडीशन में, यूज मूंग दाल, दाढ़िम, ORS, ORS मतलब जो डिहाइड्रेशन, इसमें आयुर्वेद में ORS क्या है, सडंग पानी, और ये सारे ड्रग जो है इसलिए अवेलेबल होते हैं, मुस्ता, परपटी, उसीर, चंदन, हस और सुलटी, ये छह चीजों से मिलके सडंग पानी बनता है, सभी ने पढ़ा होगा, और ये बहुत ही अच्छा ORS की तरह वर्क करने वाला एक ड्रग है, इसको हम लोग दे सकते हैं। अब आते हैं पेन में, पेन मैनेजमेंट पे हमने सर को सुना कि इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं वो, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस आनी जो बहुत जरूरी है, स्किल्ड होना जरूरी है, आप अगर सही से पॉइंट प्रेस करेंगे रिजल्ट आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे औषधि योग भी हैं जो हमारे पास सर से लेके पांव तक की अलग अलग कंडीशंस में हम तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं। माइग्रेन, माइग्रेन पे क्वेरी भी थी कुछ लोगों की, तो माइग्रेन में ज्यादातर माइग्रेन जो होते हैं उधर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां पे हमें कोष्ठ शोधन करना। अब कोष्ठ शोधन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल अभिपत्ति करनी, गुनगुने पानी से या एरंड का तेल, एरंड तेल बहुत सारे पेशेंट नहीं ले पाते, अभिपत्ति कर चूर्ण लेना आसान होता है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बेहतर होता है कि हम एरंड तेल प्रेफर करें या एरंड ब्रश खरीद के इस तरह का हम कुछ यूज कर सकते हैं। इसमें जो योग है, सिरोसूल, वज्रस, सूत शिखर, गोदंती और पथ्यादि काढ़ा का अनुपान इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अभी यहाँ पे आप सबके बीच में एक्सपीरियंस भी सर ने शेयर किया था और डॉक्टर आंचल ने भी बताया कि सूत शिखर रस का नस वो दे सकते हैं, आंख में नहीं डालने में कंफर्टेबल है पेशेंट, आप उसकी रूपन करा सकते हैं इन पित्त कंडीशन। अब माइग्रेन, अब बात पित्त कफ को पहचानना कैसे, भैया ये बातज है, पित्तज है, कफज है, बहुत सिंपल है, कैसे पित्त को कैसे पहचाने, उष्णता होगी, दहा होगी, गर्मी होगी, पसीना, गर्मी ज्यादा लग रही होगी, पसीना आ रहा होगा, कफज है तो हैवीनेस होगी, आलस होगा, ये सभी लोगों ने समझा है, तो ये कॉमन से बात पित्त कफ को इनसे हम पहचान सकते हैं। पित्तज कंडीशन है तो वहां पे अभिपत्ति कर चूर्ण, गोदंती, भस्म को बिलोय स्वरस के वात से या स्वरस से उसको हम दे सकते हैं। बाद और कफ की कंडीशन है तो यहाँ पे महावात, विध्वंस रस, सिरोसूल, वज्रस, दसमूल पाप दे सकते हैं, और इसमें बाद और कफ की कंडीशन में षड बिंदु तेल का नस से भी बहुत इफेक्ट होता है, पित्तज में नहीं देना चाहिए, उग्र होता है क्योंकि पित्त प्रकृति वाले वैसे ही थोड़े से सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, तो वहां बचे। वहां पे सबसे अच्छा क्या है नस से देने के लिए, जैसे एक शेयर हुआ अभी शेखर, दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि रत का नस, अब नस का काल क्या होना चाहिए, किसी भी काल में दे दें नस जी, जनरली मॉर्निंग के टाइम में, दिन के समय में हमें नस्य करना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ प्रिस्क्रिप्शन में कि रात में बोल देते हैं, नस्य के बाद इरिटेशन होती है, खास करके षडबिंदु तेल वगैरह जिन्होंने यूज किया होगा पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है, तो बेहतर होता है कि दिन के समय में दे, उसके इतने कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते। नस का नस ऑब्वियसली हम रात में दे सकते हैं, लेकिन षडबिंदु तेल जैसे अगर हम उग्र योग यूज कर रहे हैं तो हमें नस्य मॉर्निंग टाइम में दिन के समय में देने चाहिए। निदान परवर्जन जरूरी है माइग्रेन वाली कंडीशन में। सर्वतोभद्र के कुछ और यूज है, सॉरी सिरोसूल वज्रस के कुछ और यूज है इन स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक, स्ट्रेस जनरली जो हम आजकल कंप्यूटर मोबाइल सारे दिन लिए रहते हैं या अपने वर्क से टायर्ड हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, वहां पे क्या करना है, बादाम लेना है, मिश्री लेना है और बटर लेना है या दूध लेना और सिरोसूल वज्रस, तुरंत रिजल्ट आ जाता है। सीवियर आप थकान की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, स्ट्रेस से रिलेटेड आपको हेडेक है, इससे आपको रिजल्ट।
कॉमन हेडेक, नॉर्मल कॉमन हेडेक, ये तो हो गया माइग्रेन की बात। अभी नॉर्मल कॉमन हेडेक भाई किसी भी कंडीशन, माइग्रेन का सभी को पता है ना, दाव वेदक आधे हिस्से में जनरली उसमें क्लासिकल सिम्टम मिलते हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसमें हेडेक बढ़ता है, उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है, तेज वॉइस से इरिटेशन होती है, तो ये माइग्रेन के क्लासिकल सिम्टम। एक कॉमन हेडेक हो गया, कॉमन हेडेक में हम लोग क्या करते हैं, आजकल एक टीवी में ऐड आता है ठंडा ठंडा कूल कूल, सर पे लगाओ और सर दर्द भगाओ, ये उल्टी चिकित्सा है। कब करना है और क्या करना है, जिसका भी है शास्त्रों में बताया गया, क्लियर बताया गया, नेवर डू हेड मसाज बिकॉज ड्यू टू स्नेह रोम को विल क्लोज। जब हम स्नेह का लेप करेंगे तो क्या होगा, रोम को यहाँ के चैनल से वो ब्लॉक होंगे, उससे क्या होगा टेम्परेचर और हाई हो जाएगा और वो सीवियर हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ठंडा ठंडा कूल कूल और उल्टा ना हो। तो हमें इस तरह की कंडीशन में मसाज से बचना, किस कंडीशन में करना है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन बातच शिरोसु ऊट, ऊट एक सिंपल सा ड्रग आता है, ऊन आसानी से उपलब्ध है या घड़ी की उपलब्ध है नहीं है तो दालचीनी एरंड की छाल सर पे लगानी है, पिलानी भी नहीं, सिर्फ इसलिए लगानी है दिन में 2 से 3 बार और मोटा थिक पेस्ट, ऐसा नहीं पतली सी एक लेयर लगा, अच्छा है जो अंगुल बराबर के प्रमाण में अच्छी मोटी, तो ये कर सकते हैं। इत्तज में अभिपत्ति कर चूर्ण, गोदंती भस्म, गिलोय सरस के अपान से या पात से, और लेप कर सकते हैं सतबोध ग्रथ, सिंपल लेप माथे में फोरहेड। क्रोनिक हेडेक है और कफज रह गए, सेम एज बातच, जो बातच में करते हैं उसमें कफज कंडीशन में यष्टि मधु का नस तोड़ दिया, जो हमारा कफज सिरोसूल है, सिंपल कफज सिरोसूल माइग्रेन वाला नहीं, वहां पे हम लोग यष्टि मधु पोलेटी का नस दे सकते हैं, तुरंत रिजल्ट आता है। क्रोनिक हेडेक है, सीवियर है, पुराना है, सालों से चल रहा है उसको, तो क्या करेंगे, सडंगे कसाए। अभी पहले हमने सडंगे पानी दिखा सुना था, अभी सडंगे कसाए, वही शेड रख लेने काढ़ा बना और उसको हमें देना है अग्रवाल पिष्टी और स्वर्ण सूत्र शेखर। सीवियर से सीवियर हेडेक पेशेंट को विद इन 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आते हैं, कभी देखे निदान परवर्जन इम्पोर्टेंट है। आजकल एक और हेडेक शुरू हुआ आई की वजह से, बहुत सारे लोगों को मेरी तरह चश्मा लगा है, कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता आई साइड वीक होगी, खास करके बच्चों में, और हेडेक की शिकायत लेके आप पता चल रहा है शुरू स्कूल और फलाना स्कूल दिए जा रहे हो, उसे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आई टेस्ट जरूर करा, अगर ऐसा कोई पेशेंट है आई चेकअप जरूर करा ले, तब फिर अगर उसमें नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगी, फिर ट्रीटमेंट। अब एक पेन मन्य स्तंभ और नेक, सर्वाइकल के पेशेंट बहुत आते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, कभी देखे देखिएगा, पाद गजानकुश रस को दसमूल क्वात या रासनादि क्वात या महारासनादि क्वात के अनुपात विद इन 5 मिनट, गर्दन का दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अनुपान के साथ देंगे तुरंत रिजल्ट। ये जैसे पाद गजानकुश रस, महावाद विध्वंस रस, पाद विध्वंस रस, सबका अपना अपना यूज है, तो यहाँ पे पाद गजानकुश रस का यूज है मन्य स्तंभ में, और भी हनुग्रह में, गुरु स्तंभ में, पक्षाघात में, ओबेस पेशेंट ओबेसिटी के वहां पे मां पाद गजानकुश रस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, ये रिजल्ट भी आते हैं, आप कभी देखते देखे सियाटिका के जो पेशेंट होते हैं उनको विद इन 7 डेज में रिजल्ट, पाद गजानकुश रस के सीवियर से सीवियर पेन होगा विद इन 7 डेज में पेशेंट कहेगा बहुत कम्फर्टेबल फील, और सिंपल बात अगर कोई भी क्वात जो है दसमूल क्वात या रासनादि क्वात दे सकते हैं, अब इसके अलग और अनुपान में और भी चीजें हैं, जैसे महामंजिष्ठादि क्वात हो गया, मंजिष्ठादि क्वात हो गया, पिपली चूर्ण हो गया, इसमें निदान परवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभियंग लोकल कोई भी बात सामक वायल, कोई भी बात सामक महानारायण तेल, विषगर्भ तेल, जो भी वहां पे आपको अवेलेबल हो आप मसाज कर सकते हैं मन्य स्तंभ के पेन में, और इसके बाद सिंपली शिकाई भी करने से और अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो ये कर सकते हैं उसके अभियान। कटिसूल कमर का दर्द, कटिसूल ये उस कटिसूल में काम नहीं करेगा जो मेंसेस की वजह से फीमेल्स को होता है, उन कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, लेकिन जो नॉर्मल पेन की वजह से या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो पेन होती है पेशेंट की, कभी जर्ग लग गया पाइप वगैरह से गए और वहां पे पेन हुआ, वहां पे इसका पाद विध्वंस रस का जबरदस्त प्रभाव, दसमूल पाद, मांस्यादि पाद या फिर शहद के साथ इसको मिला के दे सकते। इसके अलावा बाद विध्वंस रस के जो है पिकिंग, यहाँ सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, उच्छी सूल, पेट में दर्द है, संधि बाद, आम बाद, जो इस तरह के डिसीजेस हैं, या हेडेक जो बातच हेडेक है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो रहा है,
तो इस तरह की कंडीशंस में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर लेकिन लेफ्ट साइड पे कैश ट्रेन हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, इसका सीधा यूज नहीं, उसके साथ में पित्त शामक औषधि जरूर लगे। बात विध्वंस रस की, कौन सी, प्रवाल पृष्टि, उक्ता पृष्टि, कोई भी पित्त शामक जो है, क्योंकि ये एंजाइना जो पेन होता है वो ज्यादातर पित्त के बड़े होने की वजह से होता है। सन्निपातज कंडीशन क्या होती है, जैसे फीवर, आजकल ऐसे पेशेंट कम मिलते हैं, लेकिन जो सीवियर क्रॉनिक हो जाते हैं, फीवर उनको पुराना बना रहता है, उस कंडीशन में पेशेंट को कटी सूल होता है, बड़बड़ाता है, चिल्लाता है, अपने होश में नहीं होता, उस कंडीशन में भी बात विध्वंस रस का बहुत ही जबरदस्त रोल। महायोगराज गोकुल कटिसूल में एक और योग है, रसमूल क्वाथ या महाराष्ट्रादि क्वाथ या एरंड मूल, अजवाइन, गिलोय, इनके कोई भी किसी भी अनुमान से हम इसको महायोगराज गोकुल को दे सकते हैं। योगराज गोकुल और एक योग है, निदान प्रवर्जन ऑब्वियसली सभी में इम्पोर्टेंट है, अभियान और अवघास्वेद। अवघास्वेद कटी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम, चाहे वो पीसीओडी हो, फाइब्रॉयड हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पेल्विक पेन हो, करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आते हैं। क्यों आते हैं, कटी का प्रदेश, बात को कटी का प्रदेश माना गया है, बात का समन अगर हम कर दें तो कटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बहुत जल्दी रिस्पांस मिलता है। अवघास में सिंपल तवे में बैठा के गुनगुने पानी में सिकाई, बहुत जल्दी इसमें बात का अनुरोहन होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। एब्डोमिनल, समझ आ रहा है, गलत तो नहीं जा रहा कुछ, बहुत बढ़िया। एब्डोमिनल पेन, दो तरह के एब्डोमिनल पेन जनरली पाए जाते हैं, कॉमन उदर सूल और एक परिणाम सूल। कॉमन उदर सूल में कनिका सब इंस्टेंट रिजल्ट देता है, 25 से 40 ml की डोज देके देखिए। कनिका सब हम लोग जनरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, गुनगुने पानी में डाल के, सादा पानी में डाल के 25 से 40 ml की डोज, एक बल्क डोज देंगे, पेशेंट तुरंत आएगा पेट दर्द में आराम। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, महाशंख बटी, चित्रकारी बटी, सूल वर्जनी बटी, इनसे कई बार जब इससे भी रिजल्ट नहीं आता है, आप कभी उधर स्कूल में सिंपल कनका सब का यूज करके देखिएगा, इंस्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा सूलवर्जनी हो गया, नॉर्मल पानी से सूलवर्जनी बटी, कभी भी इस तरह की कंडीशन में सूलवर्जनी बटी, कभी भी इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, उसको गुनगुने पानी से नहीं, उसको नॉर्मल पानी से या थोड़ा सा ठंडा सा हो, बिल्कुल चिल्ड नहीं हो, कूल वाटर जो हो उससे हम दे सकते हैं। चित्रकारी बटी उन कंडीशन में दे सकते हैं जहां में आम के लक्षण नजर आ रहे हैं और पेन फील कर रहा है पेशेंट, वहां पे चित्रकारी बटी, लसनादी बटी, ऐसे योग हम दे सकते हैं। कपड़दक हस मरीज, इसको क्या करना है, पाउडर लेना है और नींबू के आधा टुकड़ा करके उसमें फील कर देना, और वो नींबू चूसने के लिए दे देंगे, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। उधर से संघ बस काला नमक, हींग और तिरकटू, एक ये कॉम्बिनेशन भी है जो उधर की कंडीशन में जहाँ पे आम वगैरह है वहां पे हम लोग इसको दे सकते हैं। परिणाम शुल्क, परिणाम शुल्क क्या है कोई बताएगा, खाने के 2 से 8 घंटे के बाद में जनरली ये जब खाने का पाचन हो जाता है के बाद में परिणाम अवस्था में पहुंच जाता है तब ये दर्द होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जनरली जो सिम्टम मिलते हैं, मंदाग्नि मिलती है, एसिडिटी मिलती है, वॉमिटिंग सेंसेशन, इस तरह की जो है, या वॉमिटिंग होती भी है कई लोगों को, तो इसमें हमें कोष्ठ शोधन, अगर समय है तो कोष्ठ शोधन कराएं, क्योंकि पेशेंट अगर लंबा चल रहा है तो आगे कोष्ठ शोधन कराएं। इंस्टेंट के लिए एंगवास्टक चूर्ण और सूल वर्जनी पट्टी तुरंत रिजल्ट देती है। महाशंख पट्टी को लेमन के जूस से, मक्खन से, पांजी से, विनेगर से, गुनगुने पानी से परिणाम शुरू की अवस्था में इंस्टेंट रिजल्ट है। संघ भस्म वहां पे इफेक्टिव है जहां पे आमच कटे, अपेंडिक्स के जो पेन होते हैं, जहां अजीर्ण होता है, अपेंडिक्स के सीवियर पेन में आते हैं पेशेंट, संघ पट्टी 2-2 गोली 3-3, 4-4 बार दिन में दे सकते हैं, 2-2 घंटे के बाद में इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं इसमें अपेंडिसाइटिस के। अब रीनल पेन, रीनल पे आगे है, सिर्फ उसके रिलेटेड पेन पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्टोन हो जाते हैं, असमरी हो जाती है, एक महासंघ द्राव करके लिक्विड आता है, वैद्यनाथ फार्मेसी का आता है, जो झांसी की वैद्यनाथ डिवीजन है वो इसको बनाती है, और कोई कंपनी भी नहीं बनाती, इजिली अवेलेबल होता है, दिल्ली जैसी जगह में तो है अवेलेबल, तो महासंघ द्राव की 4 दिन जो है देते ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं रीनल पेन को। इवन की ये असमरी हर्बी, और इसके अलावा एक योग है हजरल यहूद भस्म, फिरवाल भस्म,
रस सिंदूर हर दो दो घंटे में 500 से साढ़े अब रस सिंदूर की जो डोज है 10 औषधियों की डोज कोशिश करें कि 65 से 125 मिलीग्राम उसको आपको मूर मूर कंडीशन में देना है तो दे सकते हैं। बस में 250 मिलीग्राम की डोज जो है यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली 500 से 750 मिलीग्राम की एक डोज बना के पेशेंट को हर दो दो घंटे से दे सकते हैं तब तक जब तक इंस्टेंट उसका पेन जो है बंद हो। सिकाई कर सकते हैं उसे हृदय सूर्य कार्डियक पेन इसमें 10 सिंदूर की एक मात्रा अर्जुन चूर्ण की 6 मात्रा और प्रवाल भस्म की 2 मात्रा मतलब कि इस डोज में देना है। अगर 10 सिंदूर है तो 125 मिलीग्राम अर्जुन चूर्ण है तो मल्टीप्लाइड बाई 125 में 6 का और प्रवाल भस्म है तो 250 मिलीग्राम इसको वो ग्रंथ से देते हैं। किसी भी तरह का कार्डियक पेन हो तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। सियाटिका पेन पे अभी एक हम लोगों ने पीछे ड्रग डिस्कस किया था कौन सा था याद है किसी को भूलते जा रहे हैं बात गजन कोश। इसी के अलावा एकांगी दस को अगर आप देखेंगे तो पूरा एक डेढ़ पेज जो है भैसज रत्नावली में सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है सियाटिका ग्रदृषि के ऊपर लिखा एकांगी दस जो है इस कंडीशन में कोई भी बात सामक बात दसमूल महारासनादि रासनादि किसी भी तरह की बात से दे सकते हैं। तो ये है कुछ जनरल पेन मैनेजमेंट में हम लोग जनरली आज तक यही नाम सुनते आए थे कि हल्दी लौंग अजवाइन सल्लकी अदरक इन्हीं से दर्द समन होता है। इतने सारे हमारे पास योग हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट में। अब एनीमिया एनीमिक कंडीशन एनीमिया में भी जनरली जो है ज्यादातर पेशेंट में हम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका प्रॉपर नहीं होता वहां पे उनको पेट से रिलेटेड समस्या होती है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रेचन जरूर लगाना चाहिए नवा या स्लोह उसको दे सकते हैं अल्त्रिकादि क्वाथ के अनुपान के साथ बहुत जल्दी इसके जो ब्लड लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अलग और कुछ योग है मेरा नवा या स्लोह और अल्त्रिकादि क्वाथ का ज्यादातर मेरे 90% पेशेंट जब भी कोई एनेमिक कंडीशन में आते हैं अपार्ट फ्रॉम रीनल फेलियर उन कंडीशन में इसके इंस्टेंटली मतलब विद इन 15 दिन बाद पेशेंट आके आपको रिपोर्ट दिखाएंगे सर मेरा तो एक लेवल बढ़ा है इस तरह से इसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे मंडूर भस्म त्रिफला चूर्ण पुनर्नवा रिष्ट ये भी कुछ ऐसे ड्रग है पुनर्नवा मंडूर स्वर्ण बसंत मालती रस का इसमें जबरदस्त मैजिकल रिस्पॉन्स आता है मैजिकल इसके साथ दे सकते हैं इसको मंडूर भस्म या लौह भस्म अभ्रक भस्म और अनुपान जो होगा लोहा सा अभी देखे देखिएगा थोड़ा कॉस्टली होता है जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते उनको हम लोग दे सकते हैं। स्वर्ण बसंत मालती रस का एक और एक्सप्लेनेशन शास्त्रों में बताया गया है सर्व रोगे बसंते किसी भी तरह का रोग हो वहां पे बसंत कुसुमाता का सॉरी बसंत मालती का बहुत ही जबरदस्त रोल है। जनरलाइज वीकनेस जैसे धातु छे अभ्रक प्रवाल गिलोय शहद मिल या मिश्री और मक्खन के साथ हम लोग जो है स्वर्ण बसंत मालती रस दे सकते हैं। पित्त प्रकृति की कंडीशन है जो पेशेंट पित्तज हैं उनको कोई भी वीकनेस है कोई भी प्रॉब्लम है जनरलाइज वीकनेस है कई बार ऐसे पेशेंट